पटना यार बीच पुलिस का एकमात्र उद्देश्य है कि लोग हमारे स्वस्थ रहें, लोग पूरी तरीके से आपदा से निपटने में एकजुट होकर के मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सकें। इसको देखते हुए अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्रवाइयां की गई हैं। इंदौर में जैसे कि अस्थायी जेल बनाई गई है, जगह जगह चेकिंग की जा रही है, जो लोग गैर जिम्मेदार तरीके से घूमते हुए पाए गए हैं ऐसे लगभग 2000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाइयां की गई है। दूसरी तरफ कुछ जिलों में अचानक ग्रामीण क्षेत्रों में औचक का निरीक्षण हो रहा है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा। वहाँ गांव में जो लोग घूमते हुए पाए गए हैं, क्योंकि गांव में भी ये समस्या बढ़ रही है, उनको भी ला करके अस्थायी जेल में इस तरह के जगहों पर लाया जाता है। कुछ जगहों पर कुछ इस तरह के कार्य जो लोगों के लंग्स को करे और लोगों को हंसा सके गलत किए हैं उसको तरह की कार्रवाई की जा रही है। जैसे बुरहानपुर में वहाँ पे जो पीछे परेड ग्राउंड है पुलिस का, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर की मदद से ऐसे साइकिलों को एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको पालन कराते हुए और उसके बाद उनसे पीटी परेड और ड्रिल कराया जा रहा है, ताकि एक तरफ तो उनके लिए एक सबक भी और दूसरी तरफ उनके हेल्थ की, उनके स्वास्थ्य की, उनके लंग्स की मजबूती किया जा सके। तो पुलिस अलग अलग जगहों पे अपने अपने नवीनतम तरीके से, अपने अपने मौलिक तरीके से इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है। लेकिन हर कार्रवाइयों के तह में यही बात है कि लोग इस समस्या को समझें, इस बात को लेकर के गंभीर हों और जो लड़ाई है उस लड़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें।